दोस्तों आज का वीडियो खास तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कस्टमर, जो भी हमारे इंडियन कस्टमर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक चाइनीज़ ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ जो उसकी टीवी लॉन्च कर रहा है इंडिया में 6 अगस्त को। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में देखेंगे कौन कौन से वेरिएंट है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन लेके आ रहा है, या फिर इस टीवी में कुछ नया है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे इस वीडियो में सब कुछ एकदम कमाल धमाकेदार से। और इसी के साथ ही साथ हम आपके लिए एक चीज नई लेके आए हैं, क्विज कॉन्टेस्ट। क्विज कॉन्टेस्ट क्या है आप वीडियो आगे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे पहले हाइसेंस ब्रांड के बारे में। तो जो लोग को नहीं पता है हाइसेंस ब्रांड क्या है या फिर पहली बार इसका नाम सुन रहे हो, तो हाइसेंस एक चाइनीज़ ब्रांड है और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करता है। मतलब यहाँ पे वो हर टीवी बनाता है, एसी बनाता है और रेफ्रिजरेटर भी बनाता है, और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है चाइना में। इसी के साथ ही साथ उसका यूरोप में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है। और यहाँ पे एक जो टीवी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हुई है वीयू, उसके पार्ट्स भी हाइसेंस के ही होते हैं। तो काफ़ी ब्रांड वाइज काफ़ी अच्छा है। अगर इसको मैं चाइना जो टर्म है या फिर जो चाइना से उसका जो रिलेशन है वो मैं हटा दूं तो ब्रांड वाइज बहुत ही अच्छा ब्रांड है हाइसेंस ब्रांड। इस बार इंडिया में उसकी टीवी लॉन्च कर रहा है 6 अगस्त को, जो अमेज़न प्राइम डे सेल है उस दिन उसकी सेल शुरू होने वाली 6 तारीख से 7 तारीख तक। और इसी के साथ ही साथ आप यहां पे बात करें उसकी टीवी वेरिएंट्स के बारे में, तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं 4K वेरिएंट्स के बारे में। 4K सीरीज में आपको 5 वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे इस टीवी में, जहां पे बात करें 43 इंच के बारे में, 50, 55, 58 और 70 इंच, ये 5 वेरिएंट आपको देखने मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ अब यहाँ बात करें इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये टीवी आती है 4K रेजोल्यूशन के साथ, VA पैनल लगाया गया है। यहाँ पे आपको HDR, HDR10, HLG सभी का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ डॉल्बी वर्जन का भी सपोर्ट आपको इस टीवी में देखने मिलेगा। बात करें टीवी के ब्राइटनेस निट्स के बारे में, तो इस टीवी में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो VA पैनल है तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो बाय डिफॉल्ट अच्छा तो होने वाला है। इसी के साथ ही साथ आपको अच्छे ब्लैक दिखाने के लिए यहाँ पे अल्ट्रा डिमिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अल्ट्रा डिमिंग या फिर लोकल डिमिंग बोल दो, दोनों की दोनों सेम ही है, खाली नाम का फर्क है, बाकी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें साउंड आउटपुट के बारे में, तो इस टीवी में लगाया गया 30 वॉट का साउंड आउटपुट, 43 इंच में लगाया गया 24 वॉट का साउंड आउटपुट, बाकी जितने भी वेरिएंट है उसमें आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही जो साउंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होगी इस टीवी की। और बात करें टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी आती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, 9.5 वाला वर्जन दिया गया। इसी के साथ ही साथ 2 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है। और बात करें टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया। बात करें टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिलने वाले हैं। HDMI पोर्ट जो है 2.0 कंप्लायंट इनपुट है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलने वाला, जो कि बहुत अच्छी बात होगी इस टीवी की। इसी के साथ ही डुअल बैंड वाईफाई भी दिया गया है। इसी के साथ ही साथ आपको 3.5mm का जैक भी देखने मिल जाएगा, ऑप्टिकल AV इनपुट का भी आपको पोर्ट देखने मिल जाएगा, इथरनेट का ही पोर्ट है। तो मतलब जितने भी रिक्वायर्ड पोर्ट होते हैं टीवी में, ये सब ही पोर्ट आपको टीवी में देखने मिल जाएंगे। इन कनेक्टिविटी के मामले में मुझे एक ही चीज यहाँ पे इस टीवी की नहीं अच्छी लगी, जो है यहाँ पे कि HDMI 2.0 अगर आप नया प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स लेने का प्लान कर रहे हो तो इस टीवी में वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे HDMI 2.0 कंप्लायंट इनपुट पोर्ट दिया गया है। आपका जो प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स होने वाला है वो 2.1 कंप्लायंट होने वाला, तो यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस टीवी में आप गेमिंग नहीं कर पाओगे ये नए प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के साथ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है अगर आप गेमिंग करते हो। और बात करें टीवी के डिज़ाइन के बारे में, तो बेजललेस डिज़ाइन के साथ आने वाली टीवी है, मेटल के आपको स्टैंड देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें स्मार्ट फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है। रिमोट के बारे में मैं बहुत ही जल्दी आता हूँ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ। इसी के साथ ही इस टीवी में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया गया है। बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, जितने भी पॉपुलर ऐप्स हैं सभी के सभी आपको इस टीवी में प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने कहा था रिमोट के बारे में मैं आपसे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ लेके आता हूँ आपके लिए। देखिए एक मिनट रुकिए बस। तो दोस्तों मैं आ गया कुछ लेके आपके लिए। सो आप दोस्तों ये देख रहे हो, ये रिमोट है व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज का, 2020 का जो मॉडल है उसका रिमोट है ये। आप अच्छे से पहले देख लो, ये सेम रिमोट आपको हाई सेंस की भी टीवी में देखने मिलेगा। लेकिन जो सिर्फ ये जो ब्रांडिंग है ना व्यू जो लिखा है
वो हो जाएगा हाइसेंस। बाकी पूरा सेम है। ये जो हॉटस्टार का जो बटन है इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार कर दिया है। ऑब्वियसली नाम चेंज होगा, इसलिए उन्होंने जो नया अभी मॉडल आ रहा है उसमें यहाँ पे डिज्नी हॉटस्टार करके आएगा, लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, पूरा का पूरा रिमोट सेम है। दोस्तों एक और बात आपको बताऊँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा कैमरा का, तो एक सेकेंड आप रुकना। ये मैं उठाया और इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। आई थिंक आप देख पा रहे होगे, मेरे पास ये व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज़ का 50 इंच का वेरिएंट है और इसका मैंने डिटेल रिव्यू किया और इस पर एक नहीं दो तीन वीडियो बनाए जो आपको हेल्प करेंगे हाइसेंस की टीवी लेने के लिए, क्योंकि जो हाइसेंस का जो स्पेसिफिकेशन है या फिर पूरी की पूरी जो टीवी है ऑलमोस्ट 99% सेम है, तो आपको समझ में आ जाए कि आपको टीवी लेनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो की जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से चेकआउट ज़रूर करना। सो मुझे उम्मीद है कि इस टीवी के बारे में आपको समझ में आ गया रहेगा कि पूरी की जो पूरी टीवी है व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड सीरीज है, व्यू अल्ट्रा उठा के देख लो पूरी की पूरी टीवी सेम है। तो आपको यहां पे समझ में आना आ जाना चाहिए कि आपको टीवी लेनी चाहिए या नहीं। ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है व्यू का स्टॉक, तो फिर जैसे भी वो आएंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स तो डाल ही दूंगा। इसी के साथ ही साथ अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो आप मुझे एक काम कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी जैसे भी उस स्टॉक में आता है आपको उसकी बाइंग लिंक दे सको, जहां से आप परचेस कर सको और आप मिस ना कर पाओ ये सेल को। तो इस के लिए मैं यहाँ पे आप सभी को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, तो बस आपको इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है। इसी के साथ ही साथ अब यहाँ पे आगे बढ़ते और बात करते हैं, जो हम एक नया क्विज कॉन्टेस्ट लेके आए हैं हमारे हैप्पी गाइड फैमिली मेंबर्स के लिए। जो हमारे रेगुलर व्यूअर है वो हमें अच्छी तरह से प्यार और सपोर्ट तो दे ही रहे, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लेके आ गए हैं क्विज कॉन्टेस्ट। और क्विज कॉन्टेस्ट में होने वाला है कि यहाँ पे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और जो सही जवाब होगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से हैप्पी गाइड की तरफ से लाइक और एक हार्ट, और उसका और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें उस कमेंट को फीचर भी किया जाएगा। तो ये कुछ होने वाला है धमाकेदार आने वाले वीडियोस में। तो आज का पहला सवाल है, कौन सा ब्रांड है जो ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले यूज करता है, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इसका आपको जवाब चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में दिया हुआ है, आपको वीडियो फाइंड आउट करना है और उसको कोई ना कोई वीडियो में मैंने इसका जवाब जरूर दिया हुआ, तो वहां पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे आपको जवाब मिलेगा आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय। और दोस्तों मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि जब यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और हम चाइनीज ब्रांड को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, उस समय इम्पोर्ट कैसे हो रहा है, मतलब चाइनीज़ या चाइना का माल इंडिया में आ कैसे रहा है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सेल तो छाने वाली है 6 और 7 तारीख को जो सेल आने वाली है, तो उसमें जो स्टॉक आएगा वो इंडिया में कैसे आ रहा है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी इम्पोर्ट तो बंद है, तो फिर मतलब क्या चल क्या रहा है, मैं जानना चाहूँगा। अगर आपके पास कुछ इनपुट है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में।